चंपे वाले चंपे वाले चंपे। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। ओ भाई दोना दोना नया फर्स्ट क्लास खेल लक्षुत कन्या दोना। और साहब कश्मीरी पॉम लाहौरी पंजाबी भी आई ना चीनी नेपाली 10 रुपये से 100 रुपये तक। हाँ बॉम्बे जो हमेशा से हिंदुस्तान के सारे बड़े कारोबार का मुख्य केंद्र रहा है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। इस शहर को शुरू से ही हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, जहां करोड़ों अरबों का कार्य व्यापार होता है, जहां सारे अमीरजादों और पूंजीपतियों का निवास है। गगनचुंबी इमारतों से घिरे इस शहर की चमक दमक की रोशनी सारे मुल्क में फैलती है। ये शहर जो कभी सोता नहीं, मगर इसी शहर को एक शख्स ने एक अलग नजरिए से देखा, जिसके सिर्फ जिस्म की मौत हुई है, पर वो अपने अफसानों के जरिए आज भी जिंदा है, हर पल हर लम्हा। उसकी नजर बॉम्बे की चमक दमक पर जरूर पड़ी, लेकिन उसने उस रोशनी को अपनी कहानियों का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसकी नजर बॉम्बे की उस ओर गई जहां स्याह अंधेरा पसरा रहता है। जगमगाती रोशनी की जगह कुछ कमजोर जुगनू टिमटिमाते रहने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। कहीं घुप अंधेरा है तो कहीं बदनामी का बसेरा। उसके ख्याल उसकी सोच ने बॉम्बे को जिस नजरिए से देखा समझा और महसूस किया, उसी देखी हुई हकीकत में थोड़े फसाने मिलाकर उसने सैकड़ों मुकम्मल अफसाने गढ़े, जो आज भी पढ़ने वालों की रीढ़ की हड्डी पर फुरफुरी जगाते हैं। जी हां, उस नजरिए उस शख्स का नाम है सआदत हसन मंटो। ये बॉम्बे की वो सफेद गली है जहां मुफलिसी और मजबूरी का बसेरा है। ये गली जिसे समाज के हुक्मरान ने बदनाम गली का नाम दिया है। ऐसी ही गलियों में रहने वाली कई औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, कई मर्द इनके जिस्म की दलाली करते हैं। यहां समाज की भाषा में दो नंबर के काम होते हैं। सज्जन और शरीफ कहे जाने वाले लोग इन गलियों का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, मगर मंटो दिन के उजाले में भी बेतकल्लुफ होकर इन गलियों से गुजरते हैं। और इतना ही नहीं, वो यहां के बाशिंदों से ताल्लुक भी रखते हैं, क्योंकि उनके अफसानों के असली किरदार इन्हीं गलियों में रहते हैं। मंटो कहते हैं हर शहर में नालियां और मोरियां मौजूद हैं जो शहर की गंदगी को बाहर ले जाती हैं। हम अगर मरमरी गुसल खानों की बातें कर सकते हैं, साबुन या लेवेंडर की बातें कर सकते हैं, तो उन मोरियों या नालियों का जिक्र क्यों नहीं करते जो हमारे बदन का मैल पीती हैं। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास एक छोटा सा बाग है, जिसके करीब है ये ईरानी कैफे जहां मंटो अक्सर चाय पीते हैं। मंटो यहां आकर अपने पसंदीदा गायक सहगल को सुनना कभी नहीं भूलते। ईरानी कैफे के मालिक को पता है कि मंटो कॉफी मिली चाय नहीं बल्कि सादी चाय का शौक रखते हैं। सामने पोल के साथ खड़ा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ढूंढू है। जी हां,
सिराज कहानी वाला ढूंढूं। वो यहीं खड़े होकर सिराज या और लड़कियों के लिए लोगों को फांसता है। मंटो ने इसे पहली बार यहीं देखा था। ढूंढू ने जब सिराज के बारे में मंटो को यह बताया कि सिराज इस धंधे में रहते हुए भी आज तक कुंवारी है, तो शायद सिराज का किरदार मंटो को काफी दिलचस्प लगा। इसीलिए एक दिन वो ढूंढू को बिना बताए सिराज से मिलने के लिए चल पड़े। मंटो के कदम कई गलियों से होते हुए आखिर उस खोली तक पहुंच ही गए जहां सिराज रहती थी। ये बड़ी आंखों वाली औरत और कोई नहीं बल्कि सिराज ही है। मंटो ने सिराज को रात भर की कीमत अदा की, पर कमबख्त सिराज मंटो के साथ शराफत से पेश आई, जो मंटो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सिराज उनके साथ भी हाथापाई करे, गाली बके, जैसा वो और खरीदारों के साथ किया करती है। मंटो की निगाहों ने सिराज में महज एक वेश्या को नहीं देखा, बल्कि कुछ और देखा। यही कुछ और जमाने को दिखाने के लिए मंटो ने सिराज को अफसाने में बदल डाला। ₹15 भाड़ा है इस खोली का और ₹10 मेरा। सफेद गली के काफी करीब है ये अरब गली जहां मंटो रहते हैं। ये मंटो के मुफलिसी के दिन हैं। मंटो बीमार हैं, अकेले हैं। इस गली के बहुत कम लोग जानते हैं इन्हें। ये लंबी मूछों वाले इसी अरब गली के दादा मम्मद भाई हैं। मम्मद भाई यहां हफ्ता वसूली के वास्ते नहीं आए हैं, बल्कि मंटो की बीमारी में शरीक होने आए हैं। वो इस गली के रहनुमा हैं। सफेद गली की वैश्याएं इनको अपना पीर मानती हैं। जब मंटो ने इनसे पूछा, भाई मैं तो आपको जानता तक नहीं, आप मेरी खैर खबर लेने कैसे आ पहुंचे? मम्मद भाई ने कहा, मंटो साहब, साली अपन को इस गली की पूरी खबर रहती है। अपन को पता है तुम इधर एक फटीचर सी अखबार में नौकरी करता है। तुम पर बिस्मिल्ला होटल का ₹10 उधारी है। तुम पर भिंडी बाजार के पान वाले का बकाया है। पर फिक्र नहीं करने का, सारा उधार चुकता कर दिया जाएगा। ऐसा दादा जो ऐसी गलीज जिंदगी जीते हुए भी अपनी इंसानियत को बचाए हुए है, ऐसा किरदार भला मंटो से बचकर कहां जाता? मंटो ने आज तय कर लिया कि मम्मद भाई पर एक अफसाना जरूर लिखेंगे। यही है वो बिस्मिल्लाह होटल जहां मंटो अक्सर खाना खाते हैं। आज इस होटल का मालिक खुद प्लेट लेकर मंटो की खिदमत में हाजिर हुआ, क्योंकि मम्मद भाई के मना करने के बावजूद मंटो ने सारा बिल चुका दिया है। मंटो के ना जाने कितने किरदार हर रोज इस होटल में आकर खाते हैं। उन्हीं में से एक है ये सहाय। सहाय जो बनारस से आया है, हिंदू है, पर मुस्लिम लड़कियों और औरतों की दलाली करता है। जिसकी ख्वाहिश है 2 साल में पैसा कमा के वापस बनारस जाने की और वहां कपड़े की एक दुकान खोलने की। मंटो को इस किरदार के क्लाइमैक्स का इंतजार है। अंधेरे और उजाले की लड़ाई सदियों से जारी है। मंटो ने इस लड़ाई का मंजर उन लोगों के दिल के कुरुक्षेत्र में भी देखा जो अंधेरे के वासी हैं। मंटो का कसूर यह है कि उन्होंने एक ऐसे सच के चेहरे से नकाब उठाई जिसे देखने की हिम्मत हमारे समाज में नहीं है। समाज के पास कानून के हथियार हैं, पर मंटो के पास है एक अदीब का कलम। यह है बनवारी की दुकान जहां मंटो अक्सर पान खाने आते हैं। मगर मंटो का किरदार बनवारी नहीं, बल्कि सीढ़ियों पर बैठा यह खुशिया है। यह है खुशिया
लेमिंगटन रोड पर धंधा करने वाली कांता का दलाल। खुशिया को दुख यह है कि कांता उसे मर्द समझती ही नहीं, नहाते वक्त भी वो इसे अंदर आने देती है। मंटो ने तभी इस अफसाने का क्लाइमैक्स सोच लिया था। खुशिया एक दिन चुपके से कांता का सौदा करता है। टैक्सी में जब कांता ने बुरका उठाकर देखा तो हैरानी से पूछा, खुशिया तू? खुशिया ने कहा, तुझे पैसे मिल गए ना, चल। मंटो को घूमने का शौक है। रात का पहला पहर हो या तीसरा पहर, मंटो अक्सर निकल पड़ते हैं। यह है प्ले हाउस। यहां लाइन से सिनेमा हॉल है। शायद इसीलिए कहते हैं कि बॉम्बे कभी सोता नहीं। मंटो को पता है अभी भी एक जगह है जहां सिगरेट मिल सकती है। रात का मुआयना करते हुए उनके कदम खुद ब खुद उधर बढ़ते जाते हैं। ये सामने जो जुआ खेला जा रहा है, मंटो अक्सर खड़े होकर इस खेल को देखते हैं। मंटो ये जानते हैं कि इंसान सबसे बड़ा सच है, चाहे वो जुआरी हो, अपराधी हो, भिखारी हो, है तो जिंदगी का सच ना, और सच अटूट होता है। इसलिए मंटो ने इंसानों को खानों में बांटने का कोई जतन नहीं किया। वो कहीं से भी अपनी कहानी का सिरा चुन लेते हैं। मंटो ने अपनी कला की दुनिया के चारों ओर कोई दीवार खड़ी नहीं की। इसीलिए मंटो तक भटके हुए, बहके हुए, बुरे और ठुकराए किरदार आसानी से पहुंच जाते हैं। आज शायद उनको अफसाने का एक खूबसूरत प्लॉट मिल गया। जी हां, यही है सौगंधी, हतक वाली सौगंधी। ए, क्या बड़ा है इस खुली का? सेठ की टॉर्च की रोशनी ने बेइज्जती की एक तीखी आग सौगंधी के तन बदन में सुलगा दी है। सौगंधी की हतक का अफसाना आज मंटो के कलम से फूट सकता है। शायद सौगंधी आज पूरी मर्द जात को लानत भेजने वाली है। मंटो अपनी कहानी में मौजूद है, मगर वो अपनी कहानी के किरदार नहीं, महज एक मीडियम है जिसके जरिए जिंदगी की एक हकीकत बेनकाब होती है। मंटो के हां सिर्फ जिंदगी मिलती है, जिंदगी, जिंदगी और जिंदगी। मंटो कहते हैं, हर औरत वेश्या नहीं होती, मगर हर वेश्या एक औरत होती है। मंटो के पास चार जोड़े कपड़े हैं, दो जोड़े मैले पड़े हैं और एक जोड़ा धोबी के पास। मंटो को फिल्म कंपनी में इंटरव्यू दिलाना है। वो धोबी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, यही है राम खिलावन धोबी, मंटो के अफसाने का एक और किरदार। धोबी ने टेबल पर रखी तस्वीर की तरफ देखकर कहा, साहब सईद सालेम बालिश्वर बहुत बड़ा आदमी होता। सईद सालेम मंटो के बड़े भाई हैं, जिनके कपड़े राम खिलावन कभी धोता था। हिंदुस्तान के कई बड़े लेखकों और अदीबों की तरह मंटो ने भी कई फिल्में लिखी। जीविका के लिए कई फिल्म कंपनियों में बतौर मुंशी नौकरी की। मंटो फिल्म लेखकों को मुंशी कहते हैं, जो डायरेक्टरों के हुक्म के मुताबिक उल्टी सीधी जबान में फिल्मों के मुकालमे लिखते हैं। उनकी लिखी कुछ फिल्में हैं, चल चल रे नौजवान, आठ दिन, बेगम, नौकर, शिकारी और न जाने कितनी। मंटो अक्सर बॉम्बे का सफर विक्टोरिया से या टैक्सी से करते हैं। दूर के सफर के लिए वो बरकी ट्रेन से चलना पसंद करते हैं। तन्हाई फनकार का मुकद्दर होती है, पर मंटो को भीड़ रास आती है। शाम तन्हा ना गुजर जाए इसलिए मंटो दोस्तों की भीड़ की गर्मी और रम की चुस्की लेने से कभी नहीं चूकते। मंटो जब भी फोर्ट एरिया में आते हैं तो यहीं से अपनी पसंदीदा रम की बोतल खरीदते हैं।
मंटो की बोतल हर हाल में यहां महफूज रहती है। मंटो इस दुकान से कभी खाली हाथ वापस नहीं गए। मंटो के अंदर का लेखक जब एकांत चाहता है तो मंटो बॉम्बे के शोर में भी खामोशी चुन लेते हैं। मंटो को बॉम्बे इसलिए पसंद है कि ये आजाद शहर है, जहां दिल करे वहां जाओ। और कलाकारों की तरह मंटो को भी आजादी से मोहब्बत है। यही है वो यहूदी लड़की। जी हां, सही पहचाना, मोजेल। इसी आडवाणी चेंबर में रहती है। ये लड़की जितनी बिंदास है उतनी ही बहादुर। मोजेल के किरदार ने मंटो को इतना मुतासिर किया कि मोजेल जैसी लड़की की जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है, शायद मंटो को इसका इल्म है। मोजेल मंटो का एक उम्दा अफसाना बन सकती है। भारत आजाद हो गया, लेकिन यह आजादी खुशी के साथ साथ बहुत बड़ा घाव दे गई। देश के दो टुकड़े हो गए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। पूरे शहर में फसाद हो रहा है। दोनों कौमें एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। शहर का माहौल बदरंग है, खूनी जंग जारी है। आज 8 दिन से शहर में कर्फ्यू है। मंटो अपने घर में कैद है। उनकी बीवी पहले ही लाहौर जा चुकी है। मंटो के जहन में यह बात चल रही है, अगर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो साबुत हिंदुस्तान का लेखक मंटो महज पाकिस्तान का लेखक कहलाएगा। आज 10 दिन के बाद कर्फ्यू में ढील दी गई। लोग फिर से सड़क पर निकलने से कतरा रहे हैं, पर मंटो कमरे की घुटन से निकलकर आज सवेरे जे हॉस्पिटल के सामने से होते हुए अपने एक दोस्त से मिलने चल पड़े। मंटो को एक कराह सुनाई दी। मंटो जब पास गए तो देखा सहाय है, जो इस फसाद का शिकार हो गया। वही सहाय जो मुस्लिम लड़कियों की दलाली करता था। सहाय ने मंटो से कहा, बाबूजी, ये सुल्ताना को दे दीजिएगा, उससे कहिएगा खतरा बहुत बढ़ गया है, वो फौरन यहाँ से चली जाए। मंटो ने सहाय के अफसाने का क्लाइमैक्स आज अपनी आंखों से देखा। आज मंटो ने लिखा, ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। साहब, शायद साले बारिश बहुत बड़ा है। बहुत बढ़ गया है, वो फौरन यहां से चली जाए। मंटो काफी गमगीन है। आज इस खामोशी में कुछ फैसला करना चाहते हैं। आज मंटो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। मंटो का अपना अजीज शहर बॉम्बे आज उनसे जुदा हो रहा है। मंटो को यह कसक जरूर है कि उनके अब्बा जान, उनकी अम्मी और उनका 1 साल का बच्चा इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है। बॉम्बे से मंटो का 12 साल का रोमांस आज खत्म हो रहा है। पर मंटो क्या करें, शायद नियति को यही मंजूर है।